Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। बोल किधर है कुलवंत? आग लगी थी मेरे कलेजे में। पता नहीं किस राह जल्दी को उठा के घर घुसा के बहू बना लिया। वो गुरुबंद मिल गया। बोले भैया के पास था। प्यारी है ना? अच्छी है ना? अम्मा जी मुझे सिर्फ दिल का सुकून चाहिए। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, जैसा बताएंगी मैं करूंगी। लेकिन गलाजत ग्राहक सब लफ्ज छोड़ दे बेटा, मिट्टी हो जा नूरी। दुल्हन तुझे कैसे पता लगा कि बोले के पैरों में दर्द है? इतना चलते हो पैदल, दर्द तो होगा ही ना? हो हो हो। तू इसका मतलब है तू जादूगरनी है? तूने जादू से पता किया है ना कि बोला सुबह दोपहर शाम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जादू का है ना तेरे पास? है जादू का है ना? कितनी गर्द अटी है पैरों में, धूल मिट्टी कीचड़ सब लगा है। इसका मतलब है तेरे पास जादू का आईना नहीं है? चल कोई बात नहीं, खैर है, जादू का आईना तो है। सच्ची 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 तू क्या देखती है उसमें? आज ही दिया था अम्मा जी ने, और उसमें उसमें सबसे पहले मैंने खुद को देखा। दुल्हन दुल्हन बस बस खत्म, थकावट खत्म। मैं तेरे पैर दबाऊं? मैं तेरे थोड़े से दबाऊं? इस मेम साहब के तो बहाने खत्म नहीं होते, कभी यहाँ दर्द कभी। अरे तुम्हें किसने कहा चूल्हा चौका संभालने को? माँ जी आपने ही तो कहा था कि कल से अब सब कुछ तुम्हें संभालना होगा। अरे मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि दो दिन की दुल्हन को हम बावर्ची खाने में घुसा। आप गलत कह रही हैं, मुझे आज पूरा एक हफ्ता हो गया है। अरे भाई एक हफ्ता हो गया है तो भी ये ठीक नहीं है। हमारे वक्तों में तो दुल्हन को पूरा एक सावन बावर्ची खाने में जाने नहीं देते थे। एक सावन गुजरता था, बहू पकवान बनाती थी और फिर आती थी बावर्ची खाने में। तो मैं पागल हूं क्या जो दीवारों से बातें कर रही हूं? रिजवाना बेगम तुम्हारा मसला क्या है? पहले तुम्हें इस बात पे तकलीफ थी कि एक के बजाय दो जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पर पड़ गई। अब जबकि उस लड़की ने आती हवेली का काम अपने सर पे ले लिया है, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? जी जी इस हवेली की मालकिन बन रही है वो। अच्छा देखते हैं। और भाभी का हल्कापन तो देखो, किसी अंधे को भी उस कल की आई लड़की की ड्रामेबाजियां समझ में आ जाएंगी, मगर वो तो बिल्कुल रीझ गई हैं भाई। और उस लड़की की चलाकियां भी तो देखो, सास को ऐसा उसने राम किया है कि बस, कभी सफाइयां तो कभी धुलाइयां तो कभी कढ़ाइयां। होगी ना वैसे किसी गरीब से घराने की, वो होता है ना जैसे मजदूर पेशा टाइप। अच्छा ये बताओ हमारे भोले का क्या हाल है? बावला तो वो पहले ही था और अब छिछोरा जी भर के, जब देखो अपनी बीवी के पीछे पीछे उसका पल्लू थामे गाने गाता फिरता है, ना शर्म ना हया।
तौबा। लेकिन मैं आपकी बहू तो नहीं हूँ ना, बेटी हूँ ना। ओ हाँ, ये तो सही है, लेकिन फिर भी भाई नहीं, ये नहीं हो सकता कि तुम अभी बावर्ची खाने में घुस जाओ। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि नाश्ते में कौन क्या खाता है। भाई इस घर में तो हर एक की अपनी थाली है। अम्मा जी, आपको लगता है कि इतने दिनों से मैं आप सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता लगा होगा कि कौन क्या खाता है नाश्ते में? कोमल और नुसरत चचा को चाहिए होता है पराठे के साथ तला हुआ अंडा। आपको है ब्लड प्रेशर और आप तली हुई चीजें नहीं खा सकती, तो इसलिए आपको चाहिए होती है सादी रोटी के साथ दही। और रिजवाना चची को अचार और पराठे के साथ रात का सालन, जो कि मैंने गर्म कर दिया है। और भोला, उनके लिए आलू की भुजिया और सूजी का हलवा। अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या कहने हैं हमारी बहू की, तो सलीका मधुनी के साथ अकलमंद थी बहुत। मैं डाल के लाती हूँ। क्या हो गया, चुप क्यों साथ ली तुमने? कुछ पूछा है तुमसे? बोलो, जवाब दो। ये कैसा सवाल है? क्यों, मियां बीवी हैं वो, ऐसा कौन सा बेतुका सा सवाल पूछ लिया मैंने तुमसे? कहे कि मियां बीवी, भोले को होश नहीं इन बातों का, उससे तो बस बातें करा लो, यहां की वहां की, फजूल बकबक। मेरा मतलब है कि आप उन दोनों की शादी को बस एक गुड्डे गुड्डी के ब्याह का खेल समझे बस। अच्छा, तुम्हें यकीन है इस बात पे? कोमल के अब्बा, आपने पहले तो कभी खानदान की औरतों के बारे में ऐसी टोनी ली कि कौन क्या? क्या हो गया तुम्हें, मैं क्यों पूछने लगा ऐसी खराब बात? बस ऐसे ही एक ख्याल मेरे जहन में आ गया था, लेकिन आप तो अपनी आदत से मजबूर हैं, लिहाजा आप बाल की खाल जरूर खींचेंगे, सो खींचिए। क्या हुआ है? बोले चुप कर जा, बस बिजली कड़कने की आवाज थी, यहाँ बादल थे। बिजली कड़कती है, मुझे डर लगता है, उन्होंने दवा खाई है, अभी सोई है। भोले, नहीं बुला सकते, नहीं बुला सकते ना, अभी अम्मा को सही नहीं लगेगा, उन्होंने दवा खाई है, बड़ी मुश्किल से सोई है, तबीयत खराब है। जब 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 मैं जाता हूँ ना, तो मेरी अम्मा मुझे अपनी गोद में मुझे छुपा लेती है, छुप जाता हूँ, मैं यूँ करके छुप जाता हूँ, मेरी अम्मा को बुला दो। भूले, अभी अम्मा को नहीं बुला सकते, समझ ना। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सिर्फ बादल था, हाँ सिर्फ गरजने की आवाज थी। सही Thank you.
अल्लाह क्या हाल किया है बालों का रूखे फीके क्या करते रहते तेरी तेरी तरह के चुप कर भागला मेरे बाल रूखे हैं तो तेरी गोदी रूखी है इतनी हड्डियां चुभती हैं मुझे नहीं लेटना अच्छा अरे पुट्टी हड्डियां चुभेंगी ना और क्या होगा आया कहीं से हाँ ना वो मेरी दुल्हन है ना अम्मा उसकी उसकी गोदी में सड़क के लेटता हूँ तो मजा आता है पता है अम्मा जब मैं उसकी गोद में यूँ सर रख के लेटता हूँ ना ऐसे ऐसे प्यार प्यार से ना मेरे मेरे बालों में यूँ हाथ फेरती है हंसती भी है देख के तुम्हारी तरह नहीं हाँ हाँ कर रही हो आगे से चमाट पे चमाट फिर चमाट रिजवाना क्या हो गया क्या कह दिया मेरे बच्चे ने कि तुम कल्ले पीटने लगी अरे भाभी अपने खपती बच्चे को कुछ तो समझाओ नाका देखता है ना पीछा इसको ये तो बताओ कि कौन सी बात माँ चाची के सामने करने की कौन सी नहीं अरे हटो भी अच्छा इधर आना बता मुझे अरे बता ना दुल्हन क्या कहती है और आए अल्लाह मुझसे आगे नहीं हुआ जा रहा इधर आ इधर आ दुल्हन की बात बता मुझे दुल्हन कहती है बोले 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 नाखून काटो अरे हाँ ये तो बिल्कुल ठीक कहती है और कहती है अम्मा को नहीं टंग करना कहती है भागा ना करो घर से हाँ बिल्कुल ठीक कहती है बस उसी की बात माननी तूने आई समझ चला आ जाना सर दुल्हन की गोद में हाँ हो गया अरे हजार बार कहा है तुझे लकड़ी के चम्मच से हिलाया कर मसाला छुट्टी कहाँ है तुझे दुल्हन एक मिनट के लिए मेरी बात सुनना एक सेकंड रुक जा एक मिनट मेरी बात सुन लेना क्या मैंने कहा है ना एक सेकंड रुक जा मुझे पहले ही काम करने दे बोले क्या कह रहे बोले मुझे मेरी डूलर मुझे कहती है मुझे कहती है मैंने अंदर नहीं जाना मैंने पास उठा लिया खुद ही उठा लिया मुझे नीचे उतार मैंने तुझे कहा है अभी मुझे नीचे उतार सब देख रहे अरे काम पे ध्यान दे ना तू अरे भाभी जरा भोले पे भी ध्यान दे लो ना सबके सामने खुले आम ऐसी बेहयाई अरे क्या हो गया तुझे ब्याहता है दोनों ऐसी क्या बात है अरे वाह भाई खूब कही आपने ब्याहता है भाई मेरी जवान बच्ची है इस घर में क्या असर पड़ेगा ये सब कुछ तमाशे देख के उसके ऊपर है ए भाभी बुरा मत मनाइयो पर बात सच्ची है ब्याहता जोड़े और घरों में भी होते अरे रिजवाना क्या हो गया तुझे भोला ना समझ है नादान है उसे इन बारीकियों का नहीं पता भाभी कब तक मैं अपनी बच्ची को परों में छुपा कर रखूंगी आपको पता है इन्हीं की हरकतों की वजह से मैं अपनी बच्ची को कमरे से बाहर नहीं निकलने देती क्या असर पड़ता होगा मेरी बच्ची पे अरे बस कर दे बात को बढ़ावा मत दे तेरी बहुत कड़वी आदत है जिससे खार खाए है उसके पीछे ही पड़ जाए और मैं देख रही हूँ जब से मेरी बहू आई है तेरे तलवों की आग ही नहीं बुझ रही अरे कोई असर नहीं पड़ता तेरी कोमल पर नूरी की आंख में शर्म है दुपट्टा ढलकने नहीं देती वो सोने में तोलने के बराबर है सोने में तोलने की फसूल बात बैर पड़ जाती है हर एक के जाने नहीं छोड़ती हर वक्त काम करती रहती है कभी ये काम कभी वो काम हर वक्त काम करती रहती है हाँ तो काम करना तो अच्छी बात होती है तू भी किया कर नो मैं क्यों करूं बड़ा काम मेरी कोई सास थोड़ी है जो मुझ पर जुल्म करती रहेगी ऐसी बातें नहीं करते भोला अम्मा है अम्मा है अम्मा तो मेरी है ना तेरी तो सास है तू ड्रामे नहीं देखती तुझे पता नहीं है क्या क्या होता है दुनिया में ये जो सासें होती है ना ये बड़ी गाली नहीं देते पर ये जो सासें होती है ना ये ना बड़ा जुल्म करती है मैंने देखा है ड्रामे में ये ना जो नई नवेली दुल्हने होती है ना उनको ना बच्ची खाने में उनका चूल्हा खराब करके उनको जला देती है बोले अम्मा है ना नहीं करते उनके बारे में ऐसी बातें दुख होता है उन्हें और जो मुझे दुख होता है तुझे काम करते हुए देख के उसका क्या हाँ तो मेरा घर है ना मैं अपने घर के काम कर रही हूँ इसमें क्या बुरी बात है और तू भी किया कर अपने काम खुद मैं नहीं मैं क्या काम करूं तू जाती है कि मैं कपड़े धोऊं बर्ची खाने में जाके
रोटियां पकाऊं। ठीक है ना, धो अपने कपड़े, लेकिन अपना मुंह तो धो लिया कर। अभी तक अम्मा धुलाती है। कौन कह रहा है तुझे कि तू रोटियां बना? ना बना रोटियां, लेकिन अपने बाल तो बना सकता है ना खुद। क्या हो गया? मैं थोड़ा हटा, चल मैं साथ ले। बड़ा हो गया वो, मैं अब खुद धोया करूंगा। अब ना ध्यान से, चल मैं ये पकड़ाती हूँ। नहीं 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 मैं खुद खुद पकड़ूंगा। अब मैं ना दिन में 3 दफा मुंह धोया करूंगा, 2 दफा दांत मांजा करूंगा, और ना 1 दफा नहाया करूंगा। क्या होगा मुझे? घोड़ा हुआ मैं, घोड़ा ज्यादा निकल आया मेरे बच्चा। हम फिर कंधा कर दिया, तू वाला मुंह फिर मेरा। अच्छा ना मैं तुला नहीं, मैं मेरे आंगन में जैसे बहार उतर आई हूँ। अल्लाह नसीबत से बचाए। भोला तो याद है मैंने कहा था कि ब्याह के बाद भोला बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल भला चंगा हो गया है। अरे हाँ, घर में टिक गया है, घर से बाहर जाना तो भूल ही गया है बिल्कुल। अल्लाह का करम है। अरे क्या बताऊँ तुम्हें जन्नती, जब बहू मीठे लहजे में भोले के लिए कहती है ना, वो आ गए हैं, वो सो रहे हैं, मैं उन्हें चाय दे आऊँ, तो सच मानो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। मेरे बच्चे के कदम घर में टिक गए हैं और उसका दिल भी बन गया है। सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ फहमीदा, भोले के लिए भी और नूरी के लिए भी। बस अल्लाह ताला हासिदों की हसद से बचाए। आमीन सुम आमीन। तुम आके देखो ना, तुम्हारा दिल भी खुश हो जाएगा। कब आओगी? जल्द आऊंगी। अच्छा ठीक है, रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। बच्चों वाली हरकतें करता है जब लड़की सामने आना, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब आप मुझे कॉलेज से छोड़ के वापस आ जाएंगे ना, तो फिर आप इनके पास रुकिएगा। अभी नहीं। ये सही है। सलाम, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। शफीक भाई मैं ना अपनी बहन को ना, अपनी बहन को कॉलेज छोड़ के आता हूँ, फिर ना आज कैरम बोर्ड के मजे लेने हैं। कैरम बोर्ड के? ओ कैरम है क्यों यार, आज तो हमने फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया था। है चलेगा? हाँ बोले, फिल्म चलेगा। आज ना बोले के पास पैसे भी हैं शफीक साहब। हाँ जी, हम ना सिनेमे जाएंगे, और वो ठंडी मशीन वाला एसी वाला कमरा होता है ना, ठंडी मशीन वाला, उधर बैठ के देखनी है हमने फिल्म। और बोले हीरोइन बड़ी तबाही किया उसमें। ओहो, कमसन बोले वाली टेरिटरी सेमी सेमी बोला आपकी कली है बोले।
पर पता नहीं क्यों वो हीरो से क्यों डरती रहती है? क्यों डरती है? पता नहीं यार क्यों डरती है, कब तक डरेगी? बोले भैया, बोले हम तेरा ना इधर इंतजार कर रहे हैं, तो करा लेके जाना भाई। हाँ हाँ, तुझे तो लेके जाना, लेके जाएंगे। हुआ हुआ, तुझे क्या बचपन से तमाशा लगाया हुआ है? तेरे सामने आती तेरा रंग फाका हो जाता है, है? उसने बोलने को आवाज दी थी, पुलिस नहीं बुला ली थी? मैंने कहा ऐसे शोर में जाके ऐसे लोग इकट्ठे कर लेगी, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, हमें देखते ही उसका रंग उड़ जाता है। और वैसे भी तो बोला भी तो था हमारे साथ, उसने मरते मरते ने कहना था कि ये झूठ बोल रही है, डार और शफीक मेरे साथ बातें कर रहे थे, इसको कुछ नहीं कह रहे थे। ये सोचा नहीं मैंने। चल तू सोचे, नहीं फंसती ना, मैं तुझे फंसा के दिखाऊं। क्या बात कर रहा भाभी तेरी, हैं कॉन्फिडेंस जरा पैदा कर। ऐसे दिन में दो बार दबा लिया करें, मालिश करवा लिया करें, फिर दर्द नहीं होगा। नहीं नहीं बस ऐसे ही ठीक है, मैं तुझे अपनी सेवा के लिए थोड़ी लेकर आई हूँ। अम्मा जी मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है ये करके। तू बस भोले का ख्याल रखा कर, इससे मुझे खुशी होती। जानती है कल क्या कह रहा था? कहता अम्मा मेरे बाल कानों तक आ गए हैं, हजाम के पास जा रहा हूँ कटवाने के लिए। और एक वो दिन था कि मैं नुसरत मियाँ से मिन्नतें किया करती थी कि खुदा के लिए इसके बाल कटवाओ, जाता ही नहीं था, खींच खींच कर लेके जाते थे, और वहाँ जाकर भी ऐसा आसमान सर पे उठाता था कि क्या ही बताऊँ। खैर से अपना आप संभालने लगा है अब। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछ, क्यों नहीं। ये हमेशा से ऐसा था, पैदाइशी या फिर? माँ जी मुझे माफ कर दें अगर आपको बुरा लगा, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। अरे नहीं नहीं, काहे को बुरा लगेगा मुझे। अरे तू उसकी बीवी है, उसे प्यार करती है, तेरा हक है पूछना। अब क्या बताऊं तुझे, मैं तो आस ही खो बैठी थी कि अल्लाह ने मेरी गोद हरी कर दी, तेरे बहिश्ती ससुर के साथ साथ मेरी भी जान थी इसमें, हमारी आंख का तारा था, हम तो जैसे पागल से हो गए थे। और रही सही कसर मेरी सास ने पूरी कर दी लाड उठाने की, इतना लाडला इतना लाडला कि बस जिद्दी हो गया, अड़ियल हो गया। क्या करते हम भी, एक ही तो था, इसकी हर बात माननी भी तो थी। सारा सारा दिन रोता था, एक एक चीज के लिए जिद करता था, पांव रगड़ रगड़ कर चीज मांगता था, बस जिद्दी हो गया। इसी वजह से स्कूल भी नहीं जा पाया, 7-8 साल की उम्र हो गई और मुश्किलों से स्कूल भेजा, मगर फिर भी भाग भाग के घर वापस आ जाता था, अम्मा मुझे नहीं जाना स्कूल, अम्मा मुझे नहीं जाना, बस कंचे खिलवा लो पतंगे उड़वा लो। बड़ा हो गया और फिर इसके अब्बा जी गुजर गए, उनका जाना था कि इतना असर लिया इसने इस बात का, इतना असर लिया। मैं तो और ज्यादा लाड उठाने लगी कि बिन बाप का बच्चा है कहीं कहीं महसूस ना करे, तो उसी में बिगड़ गया, स्कूल जा ही नहीं पाया। और फिर ऐसा ताप चढ़ा कि लंबा ही हो गया, सर के बाल भी उतर गए, अकल मत भी जाती रही। जब बुखार उतरा तो ऐसा हो गया मामला सा, न जाने क्यों। मतलब अम्मा जी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ बीमारी के असरात? असरात तो है, असरात तो है, लेकिन बीमारी के नहीं, बद्दुआ के असरात ने जकड़ा हुआ मेरे बच्चे। कैसी बद्दुआ?
अस्सलाम वालेकुम ताई जी। अरे कोमल, तू कब आई? अब्बा के साथ आई है क्या? हाँ जी, अब्बा के साथ आई। अच्छा, भूख लगी होगी, कुछ खा ले। जी मैं खा लूंगी खाना कुछ देर बाद। अच्छा आप कुछ बता रही थी, बद्दुआ कैसी बद्दुआ? अरे छोड़, फिर कभी सही, फिर कभी करेंगे बात, अभी जाने दे। तो वो इतने दिनों से तुम्हारे साथ बदतमीजियां कर रहे हैं और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं अगर जबरदस्ती तुम्हारे मुंह से अभी ना उगलवाती तो तुम मुझे भी ना बताती। मैं क्या करूं भाभी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा के साथ ही कॉलेज जाऊँ और कॉलेज से वापस भी उन्हीं के साथ आऊँ, मगर हफ्ते 10 दिन में एक बार बाबा को लाजमी ऑफिस जल्दी निकलना पड़ता है, फिर मुझे मजबूरन भोले भैया के साथ जाना पड़ता है। पिछले 1-2 बार तो मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली डर के, मगर मैं रोज रोज तो छुट्टी नहीं कर सकती हूँ ना भाभी। और वो भोला, वो तुम्हारे साथ होता है फिर भी वो बगैर तुमसे बदतमीजी करते हैं? भोले भैया के साथ होने पर ही तो वो ज्यादा खुलते हैं, वरना आप खुद बताए ना भाभी, अगर मैं अकेली गली में जा रही हूँ कॉलेज के लिए तो कभी भी किसी की इतनी मजाल हो सकती है कि वो मेरे पास आके फटके भी या मुझे आके मुखातिब करे, मुझे आके छेड़ने की कोशिश करे। गली के लोग उनकी ऐसी खबर लेंगे ना कि याद करेंगे। जब भोले भैया साथ होते हैं तो उनको ज्यादा शह मिलती है, उनको बहाना मिल जाता है पास आने का, क्योंकि जो भी देखेगा वो तो यही समझेगा ना कि वो अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो क्या क्या कुछ करते हैं भाभी। किस किस्म के बेगैरत आवारा लोग हैं। बस मैंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है मैंने कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मगर कोमल, मेरे ख्याल से तुम्हारा कल पेपर नहीं है। बाढ़ में गया पेपर भाभी, मुझे नहीं देने हैं पेपर, मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। आपको पता है वो क्या कह रहे थे भोले भैया को? कह रहे थे कि कल अपनी प्यारी बहना कोमल को लाजमी लेकर आना पार्क में, उसे बंदर का तमाशा दिखाएंगे, खुद होंगे बंदर। क्या समझते हैं वो मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ कि मैं चुपचाप चली आऊंगी ना, मैं नहीं जाऊंगी। भोले भैया को समझ नहीं है, मुझे तो समझ है ना कोमल। तुम कल कॉलेज जरूर जाओगी। पापी, मैंने कहा है ना, भरोसा करो मुझ पर, तुम जाओगी जरूर कल। प्लीज आप रहने दे। नहीं कोमल, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर? बस भाई, बिठाएं अब लड़की को घर। अजीब मुसीबत है रोज रोज की, कभी क्लास कभी इम्तहान, अजीब वबाल है ये कॉलेज। देखो आजकल अच्छे रिश्ते तालीम बिना नहीं मिलते। हाँ तो हो गई ना तालीम, कर लिया एफए, काफी है। बस ये इम्तहान दे ले, इसके बाद मैंने इसे भेजने की। भला एफए भी कोई तालीम होगी? अबे तुम्हारा मसला क्या है? आपको नहीं बताया उसने? मुझे तो सुना रही थी कि बोर्ड का इम्तहान किसी दूसरी जगह होगा। जिब बेहुदा कानून, पढ़ाई कहीं और पर्चे कहीं और। हाँ तो बोर्ड का सेंटर जो है वो हमेशा अलग ही होता है। जाहिल औरत बेटी को भी अपना जैसा जाहिल बनाना चाहती है। भाई मैं जाहिल ही भली, आपको पता भी है वो सेंटर शहर के दूसरे कोने में बना। भाई यहाँ तो वो अक्सर पैदल ही चली जाती थी भोले के साथ, अब वहां उसे कौन लेकर जाएगा जिस दिन आप मसरूफ हुआ करेंगे? मैं तो उसे बसों और वैगनों पर नहीं भेजने वाली ना। कमाल करती, घर में गाड़ी मौजूद है तो क्या जरूरत है उसे बस और वैगनों में धक्के खाने की? मैं खुद छोड़ के आया करूंगा। और हाँ, अगर मैं कभी मसरूफ हुआ तो वो नया मुलाजिम रखा है हिसाब किताब के लिए, वो छोड़ाएगा, शरीफ लड़का है। क्या हो गया आपको कोमल के अब्बा? शराफत किसी के माथे पर नहीं लिखी हुई होती।
और आप अपनी बेटी को लाने के लिए किसी जवान जहान गैर मर्द को भेजेंगे? हाँ, भरोसा है उस पर। वाह भाई, 2-3 हफ्ते में भरोसे का भी हो गया। भरोसे का होगा भी ना तो आपके हिसाब किताब के मामले में, बेटी के मामले में यो आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर लिया करते। वहम का इलाज जब हकीम लुकमान के पास नहीं था तो मेरे पास क्या हो सकता? करती रहो वहम। भोले 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 उठो भोले। भोले सुन रहा है कि नहीं? उठ। मिसनी क्यों, मैंने क्या किया है? गुनी है? हुआ क्या है? इतनी मीठी है अम्मा के सामने ऐसे मीठी 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 बातें करती है मेरे साथ कि आप खाना खाएंगे? आप नहलेंगे? मैं आपके लिए शरबत बनाऊं? मैं आपके लिए जूठी? और जब अकेली होती है तो बोले उठो, बोले उठ। मिसनी जूठी मोहियुद्दीन साहब, उठ जाइए, कॉलेज छोड़कर आना है कोमल को, इंतजार कर रही है आपका, देर हो जाएगी। बेसुरा नाम क्यों लिया? भोले खुदा का वास्ता है, उठ जा, कोमल को देर हो जाएगी। ऐसी प्यार से बात किया करना बोले के साथ, प्यार से अच्छा लगता है ना। अच्छा चल उठ। कहाँ है बंदर का तमाशा? कहाँ है वो? बता ना डार, बंदर वाला कहाँ है? रोज आता है ना। यहाँ कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। बोले तू ऐसा कर, वो सामने सड़क देख रहा ना? हाँ। उसके पार जाके ना ये पॉपकॉर्न ले आ। मैंने नहीं खाने पॉपकॉर्न, बिल्कुल मजे के नहीं होते, बेस्वादे होते हैं ना, है ना? नहीं मजे के होते हैं ना। अब तेरे लिए नहीं कह रहे, बंदर के लिए कह रहे ना। बंदर खाता है? बहुत शौक से खाता है ना। ठीक है मैं लेके आता हूँ। बोले भैया मुझे कॉलेज छोड़। कोमल जाने दे उसको, क्या हो गया? हम दोनों तेरे पास खड़े हैं, क्यों डर रही है? है ना डर? बिल्कुल। हाँ हाँ वो देख, वो देख बोला जा रहा है। डर क्यों रही हो कोमल? खा नहीं जाएगा तुम्हें, बड़ा शरीफ है मेरा यार। हाँ कोमल मालूम है, बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे, प्यार करता मैं तुमसे। फजूल बातें ना करें आप मेरे साथ। क्या बोले को ढूंढ रही हो? बोले को ढूंढ रही है? आइसक्रीम खाने बैठ गया होगा ना, तुम खाओगी आइसक्रीम? बड़ी अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा तुम्हें। हाँ ये ले ना, मोटरसाइकिल पे ले जाएगी। दो मुझे बैग दे दो, ये ले चाबी। और यार भाभी घर चल।
ओ कांटा लगा दिखाई मत ठीक है चलो आइंदा ये नजर आए ना तुम्हारे आमने सामने तो मुझे बताना है बच्चे जमूड़े हमारी बात मानेगा वरना सोटियां पड़ेंगी चलो बच्चे जमूड़े अब हमें 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 अफसर बन के दिखा और ससुराल जा बाजिया लगा लगा के बाजिया लगा लगा को बल डाल मेरी बहन कोमल कोमल खाने लगी है कोमल घूम होगी है मुझे मारना दे मेरे कोमल कुछ नहीं हुआ है वो कॉलेज में नहीं है वो कॉलेज में वो पार्क में थी मैंने अपनी बहन को खो दिया है वो मेरी एक ही तो मेरी बहन थी कोमल एक ही मेरी बहन थी मैं उसको कहां से लेके जाऊंगा एक तो मुझे उसको ढूंढने के लिए जाने भी नहीं दे रही है भूले मैं तेरे आगे हाथ जोड़ी हूँ खुदा के लिए चुप मेरी बहन ना मुझसे बड़ा प्यार करती थी बहुत बड़ी अच्छी थी बेचारी मुझे इतना प्यार करती थी चाचा को पता लगा चाचा ने मुझे मार देना देख तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन अगर तू इसी तरह शोर मचाता रहा ना तो खुद तू अपनी शामत बुला लेगा पीछे मिसनी यहाँ यहाँ बोलेगी बहन घूम गई है इतनी प्यार करने वाली समझाने की कोशिश करिए पीछे मिसनी वो कॉलेज में है कॉलेज में कैसे हो सकती है मैं उसको छोड़ के नहीं आया खुद गई है वो तू तो छोड़ कर आ गया था ना उन लफंगों के पास उसे तुझे कैसे पता हो अब तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बहन की हाँ जब उन लफंगों के पास छोड़ कर आ रहा था तब ख्याल नहीं आया अकेला नहीं छोड़ के आया था मैं अपनी बहन को वो डार साहब और शफीक को रखा था कि ख्याल रखना मेरी बहन है तू ना इतना बेवकूफ भी नहीं है देख भोले तुझे जरा सी बात क्यों नहीं समझ में आती है हाँ तेरी बहन है तेरी जिम्मेदारी है उनकी नहीं है और अपनी बहन को तो अपने पास संभाल कर रखा जाता है ना ना कि वैसे लफंगों के पास छोड़कर आ गया तो और खबरदार आइंदा तूने उनका जिक्र किया या तू उनसे मिला तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा मिलूंगा ठीक है फिर मैं चाचा को बता दूंगी कि तू कोमल को ऐसे लफंगों के पास छोड़कर आ गया था धमका रही है मुझे हाँ क्या क्या अच्छा नहीं मिलता चाचा को ना बताना पानी पिएगा भूख लगी है Hello, assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and zabardast content.